हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई मैं अभी बस निकल रहा हूँ घर से बाहर। एक्चुअली आज है एकादशी, तो आज मैं ज्यादा कहीं बाहर गया नहीं था और कोई काम भी नहीं था, तो बस अभी घर से निकल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस आसपास कई राउंड लगा के उठते हैं। फास्टिंग है तो मैंने अभी तक सिर्फ फ्रूट ही खाया है और कुछ नहीं खाया। और चलो फिर अब निकलते हैं, नीचे जाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा होटल भी दिखा देता हूँ आज। और उसके बाद सामने ही वो है, क्या कहते हैं, जो सुपरमार्केट है वहां भी, और जहाँ पे फिल्ली पे चाय पीते हैं, मैं जहां जहां भी जाऊंगा मैं आपको दिखा दूंगा जो जो भी जगह होगी। तो चलो लिफ्ट से निकलते ही सामने एंट्रेंस है। इसकी एंट्री है दो, एक ये भी है स्मॉल अगर छोटी है, और दूसरी इधर सामने ये वाली। सामने बिल्कुल सामने रोड है और यहाँ पे कटिंग कुटिंग करवाने के लिए है अगर किसी को करवानी है तो। और इसके साथ ही है जो हमारी है सुपर मार्केट। वो दुबई की एक बहुत ही खास बात है, हम रूम में बैठे हुए थे तो वहाँ पे एसी चल रहे थे, तो हम ठंड में थे, तो जैसे ही हम बाहर आए फ़ोन भी ठंडे हो रखे थे और फ़ोन में मॉइस्चर जम गया है। मॉइस्चर तो आना ही था, इवन हमारे अंदर भी मॉइस्चर आ गया है, पूरा चिपचिपे हो गया एकदम से हाथ। यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी बहुत ही आम देखने को मिलेगी। पीछे जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो ये है अतिथि। कभी हमें ज़्यादा ही भूख लगती है तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के, हमारे होटल के साथ ही ये रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पे आके खा लेते हैं विदाउट अनियन गार्लिक, यहाँ मिल जाता है। और दुबई में आप ऐसे ही कहीं से भी रोड नहीं क्रॉस कर सकते हो जैसे हम इंडिया में करते हैं कि कहीं से भी कर ली, हम यहीं से जाएंगे जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहीं से हम क्रॉस कर सकते हैं और कहीं से भी नहीं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हर कंट्री में होता है ऐसे दुबई में जो गाड़ी वाले हैं उनको पैदल चलने वालों के लिए रुकना पड़ता ही है, ये कंपलसरी, अगर नहीं रुकेंगे तो उनको फाइन है। अभी हमारे यहाँ पे फिली है और ये सुपरमार्केट है एक और पेट्रोल पंप के साथ। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि हर इंसान यहाँ पे कोई रूल तोड़ने से बहुत डरता है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइन भी बहुत महंगा है। और आज हमारा काफ़ी टाइम पर ऐसा हुआ है कि हम आज पैदल चल रहे हैं यहाँ से, वरना हम मोस्टली गाड़ी में आते हैं। यहाँ पे आपको बिल्लियाँ हर जगह देखने के लिए मिलेंगी, तो आज हम कहीं गए नहीं थे तो हमने सोचा कि क्यों ना होटल के आसपास ही पैदल चक्कर लगाया जाए, घूमा जाए पैदल। इस शॉप पे हम पहली बार आए हैं जूस पीने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, पेस्ट्री, स्ट्राइप, बर्गर। तो अभी हम पूछने गए थे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है विदाउट अनियन गार्लिक, तो इन्होंने क्या बोला, ये सारा मिल जाएगा। वाओ, बहुत कुछ है यार, मतलब रैप भी मिल जाएगा विदाउट अनियन गार्लिक, बर्गर मिल जाएगा और काफ़ी कुछ है यार। कॉन्स तो खैर होते ही हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये आप देख रहे हो, ये सारी विदाउट अनियन गार्लिक मिल जाएंगी। तो चलो अच्छा हुआ आज हम पैदल आ गए, हमें पता लग गया कि हमारे घर के पास भी बहुत चीज़ें हैं जो विदाउट अनियन गार्लिक मिल सकती हैं। अभी आगे जूस हम ट्राई करते हैं ऐसे फाड़ के, ऐसे मारो। गया भाई गया, ले आया है जूस यहाँ पे, जो लार्ज ग्लास है, जो कि लार्ज नहीं है। इतने तो मैं पता नहीं कितने गटक जाता था वहाँ पे इंडिया में, जो लार्ज नहीं है मेरे लिए स्मॉल है। तो ये आया है 17 दिरहम का, इधर के हिसाब से 17 रुपये, इंडिया के हिसाब से 400 रुपये। बट टेस्ट देखते हैं कैसा है, बेटर है, बढ़िया, बहुत अच्छा। हम बैठे हुए थे बिल्कुल फर्स्ट पे, तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि यार मेरे को आदत है मैं ऐसे बैठता हूँ, तो इधर थोड़ा कंफर्टेबल है। यहाँ पे जूस पीते हैं, भाई ने ऑर्डर कर दिया अपने फ्रेंच फ्राइज वगैरह, अब वो खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, वही खाएगा। तो उसके बाद भाई सर निकलेंगे घर के लिए, रस्ते में आपको थोड़ा बहुत दिखाते हुए जाएंगे और थोड़ा कुछ बताते हुए जाएंगे, आज मौका मिला है तो बताना चाहिए ना आपको सब कुछ। खा लिए भाई यहाँ से, अभी निकल रहे हैं उससे, वहाँ से अंदर ही बैठ गए थे, बाहर यार गर्मी बहुत थी तो अंदर ही बैठ गए थे। अभी ना एक टेप लेके जानी है, मास्किंग टेप, उसकी थोड़ी जरूरत है, वो वहीं से ले लेंगे, आगे से मिली जाएगी ना। देखो भाई जैसे ये लिखा हुआ है ना, पेड पार्किंग जोन, तो यहाँ पे अगर दिन में खड़ी करोगे तो पैसे लगेंगे और अगर रात को 10 बजे के बाद खड़ी करोगे ना तो कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई दिरहम नहीं लगेंगे, पैसे लगते हैं। क्या हो रहे हैं देखो, ये लिखे हुआ है। अभी यहाँ से भी रोड क्रॉस करनी है, यहीं से जाना है, हमारा दिल कर रहा है ना कि हम यहाँ से निकल जाएं, नहीं निकल सकते, हमने जाना वहीं पे, हम यही ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाएंगे। ये मेन लाइट है ना, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है और जहाँ पे लाइट्स नहीं है हम वहाँ पे निकल सकते हैं, गाड़ी वाले को रुकना पड़ेगा हमारा राइट। अब जब तक वो है रेड तब तक हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे।
मास्किंग टेप चाहिए थी, इस स्टोर में तो मिले नहीं, दूसरे में चलते हैं। वैसे यहाँ पे हर बिल्डिंग के नीचे एक सुपरमार्केट है, हमने उधर हम गए थे अभी, वहाँ पे नहीं मिला। अब हम इस वाले स्टोर में आ गए हैं, इधर हमें सारे जानने लग गए हैं क्योंकि हम रोज़ ही यहाँ पे आ जाते हैं डेली। आज लेकिन फर्स्ट राउंड है यहाँ पे। तो भाई अभी हमने रूट चेंज कर लिया है, आज हम पैदल पैदल हैं तो रूट चेंज कर लिया, हम जा रहे हैं मीना बाज़ार। हमने क्या एक दो चीज़ें भी पी आएंगे, खा पी आएंगे और वहाँ से टेप भी मिल जाएगी। और वैसे भी यार घूमने का दिल कर रहा था, घूम ही लेते हैं, सुबह से आज घर पे बैठे हुए थे। और बिल्कुल भी दूर नहीं है, इसी रोड पे है, इसी रोड पे हमारा होटल है, इसी रोड पे सारी दुकानें हैं। अभी हम पहुँचे हैं इस ऑफिस, ये याद होगा आपको, यहाँ से नंबर लिया था, यहाँ से लिया था नंबर, बिल्कुल सीधी रोड में ही है। और ये आ गया यहाँ पे मेट्रो। यहाँ पे भी लोग ना, चाहे गर्मी जितनी मर्जी है, यहाँ पे भी लोग पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है आज निकला हूँ तो पता लग रहा, देखो साइकिल एक भी नहीं है, साइकिल चलाते हैं। हाँ मतलब एक ही है, साइकिल एक ही है उधर, साइकिल चलाना पैदल चलना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे। आगे दुकान और आगे पसीने भी। ये रही भाई, ये रही। भाई कोल्ड ड्रिंक ले लिया और टेप भी मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं होटल में। अब भाई यहाँ से वही आधे घंटे का रास्ता दोबारा, लेकिन पैदल चल के अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद चला हूँ पैदल। वैसे तो ट्रेडमिल पे तो चलता ही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत दिनों बाद चला हूँ। ये यहाँ के बस स्टॉप हैं और फुल्ली एसी, जहाँ भी बस स्टॉप होगा एसी होगा। मैच चल रहा है भाई, पहुँच गए हैं होटल। और आपको पता है हम कितना चल रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग, हाँ लगभग 4 किलोमीटर, पूरे 1 घंटे से चल रहे हैं यार। पसीने में लथपथ हो गया था। अब मैं आ गया हूँ घर, अभी एडिट करूँगा, उसके बाद सो जाऊंगा। एडिटिंग के लिए बैठ गया हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़ यार, करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।